साथियों, हम सभी आपका अभी शांति हो जाएगी इस समय। सबसे पहले तो स्वराज अभियान और माइक को यूज करते हुए सबको बोलिए साइलेंस के लिए। और स्वराज इंडिया की तरफ से स्वागत करते समय आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि हमने 3 बजे का निमंत्रण दिया था, लेकिन आपने खुद देखा कि हमारा समय थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, 1 मिनट के लिए उनका परिचय आपसे हो जाए। स्वराज इंडिया दल का आज निर्माण करने का संकल्प कार्यान्वित हुआ है, और उसके उधर से आप देखेंगे कि बैठे हुए हैं भाई फहीम खान साहब, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। ये हमारे नए कोषाध्यक्ष हैं भाई फहीम खान साहब, प्रोफेसर अजीत झा दिल्ली विश्वविद्यालय, ये स्वराज अभियान के राष्ट्रीय महासचिव थे, अभी स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हुए हैं। आदरणीय शांति भूषण जी का परिचय कराने की मेरी क्षमता नहीं है, इनको देश 1975 के मुकदमों से लेकर के कल तक के एंटी इंडिया एंटी करप्शन मूवमेंट तक से जानता रहा है, और इन्होंने हमारे स्वराज अभियान के संकल्प को गुड़गांव में भी आशीर्वाद दिया था, आज भी इन्होंने आशीर्वाद दिया है। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जो प्रोफेसर योगेंद्र यादव जिन्होंने स्वराज अभियान की स्थापना का बीड़ा उठाया था, और अभी तक स्वराज अभियान को आप लोगों की मदद से देश जानता था कि ये प्रशांत योगेंद्र की पार्टी है या योगेंद्र प्रशांत की पार्टी है। आज प्रोफेसर योगेंद्र यादव पहली बार आपके सामने स्वराज इंडिया पार्टी के नवनिर्वाचित संस्थापक अध्यक्ष के रूप में संबोधित करेंगे। मेरे बगल में श्री प्रशांत भूषण, इनका भी परिचय मेरी क्षमता के बाहर है, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा पिछले 3 महीनों में सूखे की PIL से शुरू करके बिहार सरकार के द्वारा गुंडा राज की तरफ लौटने की कोशिश तक, हर जगह प्रशांत भूषण को आप जानते हैं, और इस बीच जियो भी आ जाता है और जीने दो भी आ जाता है। उनके बगल में स्वराज अभियान के मीडिया प्रभारी और अब स्वराज इंडिया के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन श्री अनुपम सिंह हैं, जिन्होंने पिछले 1.5 बरस में आपके साथ हमारा संबंध बनाने में बहुत खूबसूरती से काम किया। मैं इसको शुरू करते समय इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वराज अभियान उन लोगों की कोशिश थी जिन्होंने इस देश को लगातार बिगड़ते और फिसलते देखा है। राजनीति की बुनियाद से बना ये देश लोकतंत्र के आधार पर राष्ट्र निर्माण के लिए निकला था, लेकिन आज गांधी जयंती पर याद करते हुए शर्म और घबराहट होती है कि 1948 30 जनवरी की हत्या के बावजूद, हर साल गांधी को माला चढ़ाने के बावजूद, आज हमारा देश लोकतंत्र की आड़ में, संविधान की आड़ में सांप्रदायिकता की तरफ ढकेला जा रहा है। जातीय हिंसाएं रुक नहीं रही हैं, स्त्री असुरक्षित है और गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए राजनीति बनी है कि वो लोगों को एक दूसरे से जोड़े और एक सहभागी समाज बनाए, लेकिन वोट हो रहा है, चुनाव हो रहा है, दल भी बन रहे हैं। देने के लिए हमने दिल्ली से शुरू किया जो बिहार तक गया है। इसके बावजूद हमको लगता है कि एक बड़ा मोर्चा है जो अभी तक छूटा हुआ है, और वो है चुनाव का हथियार और वोट का अधिकार। इसमें बेहद जरूरी सुधारों का सिलसिला रुका हुआ है, कुछ थोड़ी चर्चा इधर शुरू हुई है, लेकिन इसमें हम 1.25 साल की मेहनत के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चुनाव को नंबर एक जिम्मेदारी और नंबर एक हिस्सेदारी का मोर्चा न मानते हुए भी, क्योंकि असली मोर्चा जनतंत्र का जनता के बीच में है, लोक जागरण में है, लोक निर्माण में है, लोक शक्ति के संगठन में है, लेकिन चुनाव भी एक बड़ा मोर्चा है, उसको खाली छोड़ देना ठीक नहीं है। और हमने, आपको याद होगा कि 25% लोगों ने पहले दिन कहा था कि आप पार्टी बनाओ और चुनाव में कूद जाओ, हमने कहा कि नहीं, 65% कहते हैं अभी रुक के चलो, देख के चलो, सुन सोच के चलो। आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, और हमारा जनमत संग्रह भी हुआ, हमारा वोट भी हुआ, कि देश को एक वैकल्पिक राजनीति की तरफ ले जाने वाली
राजनीतिक अभियान मंच मोर्चे की जरूरत है और इसलिए आज ये निर्णय हुआ है। अब मैं चाहूँगा कि इस बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी को अपने तरीके से संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित तरीका जो है शांति भूषण जी का, हमें आशीर्वाद दें और हमारी आपकी वार्ता शुरू हो जाए। शांति भूषण जी के बाद स्वराज अभियान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जिन्होंने वैसे तो नैतिक अन्ना आंदोलन के समय हम लोगों ने एक सपना देखा था। जब हम लोग आम आदमी पार्टी से अलग हुए थे और स्वराज अभियान का गठन किया था, और ये सोच के गठन किया था, ये देख कर गठन किया था कि इस देश के बहुत सारे खासकर युवक लोग जो इस देश को बदलने के लिए बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से बाहर निकले थे, वो बिल्कुल ठगा महसूस करने लगे थे जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हुआ और उन्होंने सब उसूलों को छोड़कर वही जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो कुछ होता है वो सब करना शुरू कर दिया। उस समय हम लोगों को लगा कि एक ऐसा संगठन बहुत ज़रूरी है जिसमें कि इन युवकों की और जो देशभक्त लोग जो देश को बदलने के लिए अपना समय और ऊर्जा देना चाहते हैं उनकी ऊर्जा का संकलन करके उसको सही दिशा में लगाने के लिए एक संगठन होना चाहिए। तब हम लोगों ने स्वराज अभियान का गठन किया। उस समय ये साफ था, हम लोगों ने बोला भी था कि एक राजनीतिक संगठन है, पार्टी नहीं है अभी, लेकिन हम लोग पार्टी बनाने के बारे में ज़रूर सोचेंगे और जब हमारे न्यूनतम मापदंड तय हो जाएं उस समय कि हम लोग अपने संगठन में पारदर्शिता, जवाबदेही, आंतरिक लोकतंत्र स्थापित कर लें और जब कुछ काम करके दिखा लें उसके बाद फिर हम लोग एक पार्टी के गठन की बात सोचें। तो उस गठन आज किया गया है। पूरे देश में जहां पर भी आप जाएं सब जगह ये बात सुनाई देती है कि भाई सारी पार्टियां जो हैं बेईमान हो गई हैं, सब में एक परिवार का कब्जा है या एक सुप्रीमो का कब्जा है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है और सब बस वोट और पैसा हासिल करने की राजनीति कर रही हैं कि चाहे वोट लेने के लिए आपको पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ ही काम करना पड़े तब भी वो करती हैं। तो इसलिए सब जगह से ये आवाज़ आती थी कि भाई हमको कोई इसका विकल्प दीजिए। जहाँ जहाँ हम लोग जाते थे सब लोग ये बात कहते थे। लेकिन हम लोगों ने ये भी फैसला किया था कि जब भी कोई अभियान है जो नॉन इलेक्टोरल एंटिटी है उसका कन्वीनर मैं बन जाऊँ और उसका मार्गदर्शन मैं करूँ।